गौरी का भी बहुत गरीब थी, उसे पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता, तो अपने गुजारे के लिए उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। गौरी, मुझे मेरी बहन की बेटी की शादी में जाना है, तो मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो। ठीक है चिड़िया, तुम चेयर पर बैठ जाओ, मैं ऐसा मेकअप करूंगी शादी में तुम्हारी ही वाह वाह होगी। फिर गौरी कभी चिड़िया का मेकअप करना शुरू करती है। लो चिड़िया, अब शीशा देख लो, लग रही हो ना गजब। हाँ गौरी, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, तुम्हारे मेकअप का तो कोई जवाब नहीं। ऐसे चिड़िया गौरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तब गौरी अपने पति से कहती है, क्या फायदा इतना अच्छा मेकअप करने का, पैसे तो 400-500 से ज्यादा नहीं मिलते। हाँ गौरी, और चिड़िया को सजाने में पूरा 1 घंटा लगा, ऐसे तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। ऐसे गौरी कभी हमेशा से ही परेशान रहती, उसको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत थी। एक दिन की बात है, गौरी की मुलाकात अपनी बचपन की सहेली से होती है। अरे गौरी, तुम इस बाजार में क्या कर रही हो? पूजा, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है, उसी का सामान खरीद रही हूँ। गौरी, अब तो तू बहुत अमीर हो गई होगी, लेकिन अकेले कैसे? तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? क्या कहा? मेरी नौकरानी? इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है जो मैं नौकरानी रख सकूं। मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, मैं अकेले ही संभाल लेती हूँ। गौरी, मेरा भी ब्यूटी पार्लर है, चल मैं तुझे अपना ब्यूटी पार्लर दिखाती हूँ, बस पास में ही है। फिर गौरी अपनी सहेली के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। उसका ब्यूटी पार्लर तो बहुत बड़ा था और कस्टमरों की भीड़ भी लगी थी। तभी एक लेडीज पक्षी बोलती है, पूजा मैम, मेरे चेहरे को ये क्या हो गया, जल्दी से ठीक करने की दवा दो, मैं इस बुरे चेहरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसकी ऐसी दवा दूंगी, आपका चेहरा पहले से भी गोरा और नेचुरल ग्लो करेगा। फिर पूजा कवि एक सीसी उस पक्षी को दे देती है, वो 2000 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। पूजा, इतनी महंगी दवा? महंगी महंगी कुछ नहीं, ये तो बस मेरे घर का बना प्रोडक्ट है, इसी से तो मैं अमीर बनी हूँ। और जो ये मैडम अभी फेशियल करवा के गई है, ये भी कुछ दिनों बाद मेरे पास ही आएगी, और इसे तो ये दवा मैं 3000 की दूंगी, ये बहुत अमीर है। इसका मतलब तुम जानबूझकर सबके चेहरे खराब करती हो और फिर ये घर की बनी महंगी दवा देती हो। हाँ सहेली, ऐसे ही पैसा कमता है, मैं तो कहती हूँ तू भी ये काम चालू कर दे, और फिर देखना तेरी कमाई कैसे दोगुनी होगी। ऐसे बातें कर गौरी अपने घर आ जाती है। उसके मन में तो बस एक ही ख्याल घूम रहा था और वो सारी बात कालू कौवे को बताती है। कर दो, आज से ही काम शुरू कर दो, ऐसे हम गरीब नहीं रह सकते। फिर दूसरे दिन से ही गौरी कवि भी ऐसा ही करती है। जो भी उसके पास फेशियल करवाने आता, वो उसके चेहरे पर हानिकारक केमिकल लगा देती और दोबारा आने का इंतजार करती। कालू, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, वो चिड़िया तोती कब आएंगी? आएंगी आएंगी गौरी जी, वो जरूर आएंगी। दोनों ऐसे विचार कर रहे थे, अचानक ही हरी तोती का चेहरा खराब हो जाता है। हाय तोबा, ये मेरे सुंदर से चेहरे को क्या हो गया, कहीं मिट्ठू जी देखे, इससे पहले दबा ले आती हूँ। हाँ, एक बार गौरी को दिखा लेती हूँ। ऐसे हरियाली तो भागी भागी गौरी के पार्लर जाती है। गौरी, जरा ये देखो, मेरे चेहरे पर ये काले दाने कहाँ से हो गए, क्या तुम इसकी दवा जानती हो? अरे बिल्कुल, मैं ऐसी दवा दूंगी, आपका चेहरा फिर से सुंदर बन जाएगा, मगर वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, क्या तुम खरीद पाओगी? गौरी, चेहरे की सुंदरता से कुछ महंगा नहीं, तुम वो प्रोडक्ट दे दो, मैं पैसे लाई हूँ। गौरी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हरी तोती उसे 3000 रुपए देकर चली जाती है। गौरी जी, ये काम तो बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही तुम कस्टमरों को पागल बनाती रहो, हम बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे। फिर उस दिन के बाद गौरी कभी बिल्कुल ऐसा ही करती, वो अधाधुंध पैसे कमाती और किसी को जरा भी शक नहीं होता। देखें गौरी, पहले मेरा फूल सा चेहरा था और अब ना जाने क्या हो गया। लूसी बहन, ये दवा लगाते रहो, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। लेकिन गौरी, मेरे पास बस 100 रुपए है, क्या आप ये दवा कुछ दिनों के लिए उधार दे दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, लूसी बहन तुम मेरी पुरानी कस्टमर हो, इतना तो कर ही सकती हो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो दे देना, मैं खाते में लिख लेती हूँ। गौरी,
सच में तुम बहुत अच्छी हो। फिर लोसी भी वो दवा का विषय खरीद लेती है और पैसे अपने खाते में लिखवा कर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और एक दिन रानो भी अपना फेशियल करवाती है तो अचानक उसका चेहरा भी काला और दानेदार हो जाता है। रानो जी, मेरा एक दोस्त है, वो स्किन प्रॉब्लम का डॉक्टर है, चलो हम उसी के पास चलते हैं। ठीक है टुन्नू जी, आप चले, वरना लूसी बोल रही थी, गोरी पार्लर वाली भी इसकी अच्छी दवा देती है। नहीं नहीं, आप डॉक्टर के पास ही चलो। फिर टनोचड़ा अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बड़े दूरबीन से चिड़िया का चेहरा देखता है। ये आपका चेहरा अपने आप से खराब नहीं हुआ, किसी बुरे केमिकल का असर है। तुम अपने चेहरे पर क्या लगाती हो? मैं कुछ भी नहीं लगाती, बस एक हफ्ते मैंने चेहरे का फेशियल करवाया था और तभी से मेरा चेहरा ऐसा हो गया। तो फिर आप वो फेशियल कभी ना करवाएं, वो पार्लर वाली फेशियल में केमिकल मिलाती है, मार्केट में ये बात बुरी तरह फैली है, मैंने ऐसे बहुत केस सुने हैं। नहीं, गोरी कभी ऐसा बुरा काम नहीं करती, वो कई सालों से अपना पार्लर चला रही है और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं हमेशा से उसी के पास जाती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से आ जाती है। कुछ दिनों में उसका चेहरा ठीक हो जाता है, वो फिर से गोरी के पार्लर जाती है। कालू, हमारे केमिकल का असर चिड़िया पर क्यों नहीं हुआ? पर कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा मिलाऊंगी। ऐसे गोरी कवि आधी सीसी केमिकल चिड़िया के फेस पैक में मिला देती है और चिड़िया के चेहरे पर लगा देती है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सुबह होते ही चिड़िया का चेहरा खराब हो जाता है। देखो, मेरा दोस्त सच बोल रहा था, गोरी सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलाती है जिससे तुम्हारा चेहरा फिर से खराब हो गया। हाँ टुन्नू जी, आप सही कहते हो, हम गोरी का पर्दाफाश करते हैं, ऐसे तो वो ना जाने किस किस को लूटेगी। फिर चिड़िया और टुन्नू गोरी के पार्लर में शोर मचाते हैं। वो कबूतर, तोती और बाकी सब पक्षियों को भी बुला लेते हैं। देखें दोस्तों, ये केमिकल इस गोरी के पार्लर में क्या कर रहे हैं, जरूर ये हमारा चेहरा खराब करती है और फिर बाद में महंगी दवा देती है। हाँ रानो बहन, मेरा चेहरा भी कभी खराब नहीं हुआ था और देखो अब कितना बुरा हो गया है, जरूर ये केमिकल ही लगाती है। फिर वो सब पक्षी गुस्से में गोरी को मारना शुरू करती है। कालू तो वहाँ से भाग जाता है। कालू कालू, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बचाओ वरना ये मोटी मोटी मेरी जान ले लेंगी। ऐसे गोरी कवि को खूब मार लगा के वो सब अपने अपने घरों को चली जाती है। गोरी को तो बहुत पछतावा होता है कि लालच के कारण उसकी आज बुरी हालत हुई। तो प्यारे दोस्तों, लालच एक बुरी बला है। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उनकी बेटी का बहुत शोर मचाती है। बेटी शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, अब चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था, तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानो की मम्मी, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं और तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई थी। अरे ये क्या हो गया, जरा सी लापरवाही ने दोनों की जान ले ली, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा। वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डर गई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा घर यहीं पास में है, चलो। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता, उसका पूरा ख्याल रखता। ऐसे ही समय गुजरता गया, रानो अब समझदार और बड़ी हो गई थी। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा, मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो, अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी है, बस केतली में करनी बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय की केतली कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजा
दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी जाओ, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ खड़ा था। कबूतर चाचा, घर का किराया कब दे रहे हो? पिछले 2 महीने का भी बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। हाँ तो जब याद है तो किराया कब दोगे? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझे। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे रे, क्या ठीक है, हम यहाँ अपने पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए, जो चले जाएं। गौरी, आपने सुना नहीं, अभी चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है, जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो दे देंगे, अब चलो। कब देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? ना कोई तारीख ठहरी, बस दे देंगे, मुझे पक्की जबान चाहिए। गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद गौरी कभी फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा कबूतर, कहाँ है? मुझे उस बुढ़े से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर तो अभी घर नहीं आए, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना, अब किराया बढ़ गया है, 500 रुपए का जमाना बहुत पुराना हो गया, अब से महीने का किराया 1000 रुपए होगा, देने हैं तो दो वरना निकलो यहाँ से। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, अभी तो पुराने पैसे भी नहीं चुके, कुछ तो रहम करें। ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो, जब किसी और घर में रहोगे तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी, चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। 1000 रुपए एकदम से डबल किराया, मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ, मैं आज उस कबूतर चाचा के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने, वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा आई, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेच कर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा। हाँ तो हमें क्या लेना उसके काम से, मैं जब से आई हूँ बस 500 रुपए में ही रहता है वो बूढ़ा, 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे, गौरी बोल रही थी अब किराया 1000 रुपए होगा। हाँ हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही होगा। बेटा कालू, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, अब रहना है तो रहो, अब से 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। ठीक है, कल मुझे मेरा मकान पूरा खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी का भी दरवाजा बंद कर लेती है। रानू बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है, हम कल मकान खाली कर देंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? चाचा कबूतर, आप चिंता ना करें, कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी, हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे, चिड़िया ने ऐसा बोला ही था। तभी गौरी कवि वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी घर खाली नहीं किया, चलो जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है, अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाते और किराए के लिए खाली कमरा मांगते, लेकिन उन्हें कोई भी किराए पर कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी, हम इस बारिश में कहाँ छुपेंगे, अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन पर जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तभी बारिश भी तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। कबूतर चाचा,
हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा जी, ये देखें हमारा ट्रेन का घर, अब से हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही है। फिर रानो चिड़िया उस डब्बे की साफ सफाई करती, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा बनाती और उस पर गरम गरम खाना बनाती। बहुत खूब रानो बेटी, तुमने सारी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपने ट्रेन घर में खुशी खुशी रहते। तो दूसरी तरफ कब्बो का घर बहुत पुराना था, वो कमजोर हो गया था, तेज हवा बारिश के झोंकों को नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू जे, क्या हमारे दोनों घर तो टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे। और कहाँ रहेंगे, अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों पर, अब पता चलेगा जब किराए के घर के लिए दर दर की ठोकरें खाओगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला, उसी की सजा मिली है जो अचानक ये घर टूट गए। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी। वो छोटे से गांव के जंगल से आई थी। कभी बहन जी, आप अपने बैग नीचे रख ले, यहाँ मैं बैठ जाती हूँ। अरे तुम्हारे लिए मैं अपना कीमती बैग नीचे क्यों रखूँ। गवार कहीं कि अपने बच्चों को लेकर नीचे बैठ जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। देखिए बहन जी, मैं गवार बेशक हूँ, लेकिन इस सरकारी ट्रेन की सीट पर बैठने का पूरा हक है, इसलिए आप अपने बैग को नीचे रखो, यहाँ मैं और मेरे बच्चे बैठेंगे। एक तो तीन तीन बच्चों को लेकर सफर करती हो और ऊपर से जवान भी चलाती हो। जाओ यहाँ से, हम अपने बैग नहीं हटाएंगे, तुम यहीं पर नीचे बैठ जाओ। अजीब पक्षी है, अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। उन तीनों में ऐसे बहस हो रही थी। पास में एक पढ़ा लिखा समझदार कबूतर बैठा था और वो ही अपनी सीट छोड़ते हुए बोलता है, अरे चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जी नहीं नहीं, आप परेशान न हो, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। और नहीं, अब तो मैं उठ गया, अब आप ही बैठे। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कब्बो के सामने ही बैठ जाती है। गोरी तो अपना मुँह फेरते हुए बोलती है, अब पूरा सफर इस गवार को देखते हुए बिताना होगा, ना जाने कहाँ से आ गई। आप बार बार मुझे भी क्यों सुना रही हो, मैं गवार हूँ तो आपसे खाने को तो नहीं मांग रही। मांगेगी कैसे, तेरा मुँह ना तोड़ दूंगी। चल अपना मुँह दूसरी तरफ करके बैठ, मेरा मूड ना खराब कर। अगर आपको परेशानी है तो ये सीट छोड़ दे, मैं तो अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसे ही बैठूंगी। ऐसे गोरी और रानो की नोक झोंक के बीच ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उनके साइड वाली सीट पर तोते का परिवार बैठा था, उसकी पत्नी पराठे खा रही थी। रानो के बच्चे उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। पति जी, इन छोटे बच्चों को शायद भूख लगी है, ये ले आप एक एक पराठा इन्हें दे दे, हमारे पास तो वैसे भी फालतू ही हैं। हाँ आप सही कहती हो, लो नन्हे बच्चों आप ये पराठे खा लो। छोटे बच्चे तो तुरंत ही पराठे उठा लेते हैं। गोरी फिर से बोलती है, गुब्बार कहीं की मुझसे तो नहीं, लेकिन उस तोते से तो मांग लिया खाने को। कभी बहन जी, हमने नहीं मांगा, उन्होंने खुद से ही दिया है। और सब पक्षी आपकी तरह नहीं होते, जब तेरे बच्चे भूखों की तरह देखेंगे तो कोई ना कोई भिखारी समझ के दे ही देगा। देखिए कवि जी, मेरे बच्चों को भिखारी बोलना बंद करो, बच्चों को तो सब चीज दे देते हैं, इसमें बुराई ही क्या है। गोरी देखो, बच्चे खाना मांगे और माँ सफाई उतारे, ये बढ़िया तरीका है खाना मांगने का। उन तीनों की बात मिट्ठू तोता काफी देर से सुने जा रहा था। वो गोरी कवि को जवाब देता है, देखिए कवि जी, हमने नन्हे बच्चों को अपनी मर्जी से पराठे दिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ कवि जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और ये चिड़िया जब से यहाँ बैठी है आप इन्हें ही सुनाई जा रही हो। दोनों कवि चुप हो जाते हैं। ट्रेन कुछ देर बाद स्टेशन पर रुक जाती है। कुछ पक्षी तो ट्रेन से उतर जाते हैं और कुछ वापस से भर जाते हैं। कुछ पलों में ट्रेन हॉर्न देकर वहाँ से धीरे धीरे चलने लगती है। ये गवार चिड़िया तो यहाँ भी नहीं उतरी, अब तो लगता है पूरा सफर इसकी सड़ी हुई शकल को देखकर ही बिताना होगा। देखें अब आप
आप बार बार मेरी शक्ल को न ताने दें। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले। हाँ हाँ करती हूँ, अब तू तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं ही अपनी आँखें बंद करती हूँ। फिर गोरी का भी आँखें बंद करके लेट जाती है। चिड़िया का ध्यान कौवे पर जाता है, वो तो उसे घूरे जा रहा था। लग तो है गोरी सो गई, और उस सुंदर चिड़िया से मीठी मीठी बात करता हूँ। देखे चिड़िया, आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाए, आपको बच्चों के साथ परेशानी हो रही होगी। नहीं नहीं धन्यवाद, मैं अपने बच्चों के साथ आराम से बैठी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। झूठ झूठ मत बोलो, आप कैसे भिज भिज कर बैठी हो? आओ मेरे पास बैठो, यहाँ कितनी जगह है। मम्मा ये कौवा अंकल ठीक कहता है, हम दोनों भाई यहाँ बैठ जाते हैं, फिर आप और गुड़िया यहाँ आराम से बैठना। ऐसे बोलकर चिड़िया के बच्चे कौवे के पास बैठ जाते हैं। कौवा तो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अरे अंकल, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? बदमाश बच्चों, तुम्हारी माँ बैठती तो जरूर बताता, चिल्लर पार्टी के लिए कोई जगह नहीं, भागो यहाँ से। कौवे भाई ये क्या बदतमीजी है। कुक्कू मुक्कू, आप दोनों मेरे पास बैठे, यहाँ पर आए। ऐसे दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद कालू कौवा गाना गाता है और बीच बीच में चिड़िया को आँख मारता है। वो मेरे सामने बैठी है, मगर उसे कुछ बात न हो पाई है, इशारा भी करता हूँ। इसमें हम दोनों चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। वो मेरे सामने बैठी है, मगर उसे कुछ बात न हो पाई है, मैं इशारा भी करता हूँ, मगर वो पास नहीं आती है। चिड़िया आप मेरे पास बैठे। कौवे जी ये क्या बदतमीजी है, आप मुझे देख देख कर गाना क्यों गा रहे हो और एक आँख को बार बार क्यों मिचका रहे हो? मेरा मुँह मेरी आँख, जब चाहे तब गाऊं, अब इसमें आपको क्या एलर्जी है? मम्मा चिड़िया चुप हो जाती है। कुछ देर बाद एक चने बेचने वाली चिड़िया आती है। चने वाली खट्टे खट्टे चने वाली, नींबू वाले चने वाली। मिठू जी 10 रुपए के चने लेना जरा। चने वाली बहन जी, हमें 20 रुपए के चने दे दो। चने बेचने वाली उनको 20 रुपए के चने दे देती है। कभी कालू कौवा भी उससे चना मांगता है। अरे ओ चने वाली, जरा 20 रुपए के चने मुझे भी तो दे। फिर वो कौवे को भी चने दे देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कौवा चिड़िया को फिर से परेशान करता है। अरे चिड़िया गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चने खा लो, मैंने ये 10 रुपए के तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं। जी नहीं शुक्रिया, आप ही खाएं, मेरे पास पहले से ही चने हैं, मैं घर से लाई थी। फिर चिड़िया अपनी पोटली से तीनों बच्चों को चने देती है और खुद भी खाती है। कौवा फिर से बोलता है, चिड़िया बच्चों के पिता नहीं दिखते, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? कौवे अंकल जी, हमारे पापा नहीं है, वो काफी दिन पहले हमें छोड़ के चले गए, वो एक हादसे में मर गए। अच्छा तो तुम विधवा हो, चलो बढ़िया है, अब तुम्हें छेड़ने में और भी मजा आएगा। क्या कहा आपने, आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती? बेशरम कौवा कहीं का, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं, मरते भी तो नहीं है ये। रानो चिड़िया की ऊंची आवाज सुनकर गोरी तो नींद से जाग जाती है। गवार गवार चिड़िया, तूने मेरे पति को बेशरम कहा, तेरी इतनी हिम्मत? अब आपका पति बेशरम है तो इन्हें बेशरम ही कहूंगी, कोई अकलमंद नहीं कहूंगी। मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ, तेरा मुँह तोड़ती हूँ। इतना बोलकर गोरी चिड़िया को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन तीनों बच्चे तो अपनी माँ को जरा भी टिकने नहीं देते। वो गोरी को धक्का मारते हैं और पीछे गिरा देते हैं। मेरी गोरी को धक्का दिया, चिल्लर पार्टी तुम्हें तो अभी मजा चखाता हूँ। ऐसे बोलकर कौवा भी आगे बढ़ता है। मम्मा चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, छोटे बच्चे तो कालू को चिपट जाते हैं। फिर वो चारों कालू की खूब पिटाई करते हैं। गोरी तो डर के मारे चुप थी, अब क्यों नहीं गाता गाना, लगता है सब भूल गया। कवि जी घर जाकर इन्हें गाना गाना फिर से सिखाना, लगता है बेचारे भूल गए हैं। अब कौवे की खूब पिटाई हो चुकी थी। ट्रेन रुक जाती है, चिड़िया का स्टेशन आ चुका था, वो ट्रेन से बाहर चली जाती है। कौवे की मार खाई शक्ल देख कर वहाँ बैठे सब पक्षी चुप चुप हंस रहे थे। कौवे जिसे तुम बार बार गवार बुला रही थी, वो तुम्हारे पति की खूब दुलाई करके गई है, मिट्टू ऐसे बोलता है। लेकिन कालू गोरी तो अब पूरा सफर चुप होकर काटते हैं, वो तो पूरे सफर में अब एक दूसरे से भी कोई बातें नहीं करते।